विद्यालय परिवार के द्वारा जो आयोजित एक बहुत बड़ा महोत्सव कहा जाए, एक सप्ताह तक चलने वाला आज़ादी का अमृत महोत्सव का सफल आयोजन हुआ, सर क्या कहेंगे? इस सफलता के पीछे सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों व छात्र छात्राओं का स्नेह व मेहनत ही रहा है, क्योंकि हमने तो सिर्फ यह ठाना कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की तरफ से सारे नागरिकों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना आनी चाहिए, जागृत करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और जब हमने अपने इस प्रोजेक्ट को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शेयर किया तो वो लोग जी जान लगाकर बच्चों को तैयार किए, अभिभावकों ने हमारा साथ दिया और यह कार्यक्रम पूर्ण सफल रहा। साथ ही साथ प्रशासन का, विशेषकर पुलिस प्रशासन का सहयोग विद्यालय परिवार को बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे 300-400 बच्चे जब सड़कों पर निकलते थे बढ़ता हिंदुस्तान का जिस दिन रैली था, उस दिन पुलिस प्रशासन 3 गाड़ी फोर्स के साथ बच्चों के आगे और पीछे चल रही थी। इससे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में हिंदुस्तान बढ़ रहा है और नागरिकों और बच्चों को सभी तबके से सहयोग मिल रहा है। एक सवाल सर कि बच्चे काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके से यह कार्यक्रम कितना ऊर्जा उनके अंदर संचार करेगा? देखिए, आपने सही पूछा कि 1.5 साल से बच्चों ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की। हम लोगों ने भी जब स्कूल खुला और 1.5 महीने के लगभग स्कूल चल गया तो यह फील किया कि बच्चे ऊर्जावान नहीं हो पा रहे हैं, ये अपनी ऊर्जा को घर के बिस्तर पे ही अभी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें पढ़ाई भी बिस्तर पे करने की आदत पड़ चुकी थी, बेंचेस पे बच्चे सर रख के सोने का प्रयास करते थे। तो यह फील किया गया कि नहीं, बच्चों को एक बार पुनः सामाजिकता से जोड़ा जाए, क्योंकि सभी बच्चे पिछले 1.5 वर्षों में अकेले रहना पसंद करने लगे थे। और हमने यह कार्यक्रम जो उठाया, यह कार्यक्रम आयोजित किया तो सभी बच्चों में सहयोगात्मक गुण सबसे पहले जागृत हुआ, उसके बाद बच्चे एक्टिव हुए कि हमें इस प्रोग्राम में रहना है, हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, हमारा ये प्रदर्शन होगा। सिर्फ हम लोगों ने बलिदान को ही प्रमुखता नहीं दी, राष्ट्रीयता में हमने यह भी बताया कि आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान ने क्या था, 70 साल पहले क्या था, आज क्या है और हर दशक में हिंदुस्तान कितनी तरक्की किया। इसी दौरान हम लोगों ने यह भी फील किया है कि बच्चों में राइटिंग कैपेसिटी की कमी आती जा रही है, बच्चे पत्र लेखन लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि आज व्हाट्सएप का और मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, जिसे बात करनी है, जिसे मैसेज देना है तुरंत व्हाट्सएप करो, मैसेज दो, ईमेल करो या फ़ोन पे बात कर लो, लेकिन लिखने की क्रिया प्रति यह जो कार्य होता है, लेखन की जो व्यवस्था होती है, उनकी लेखनी अच्छी राइटिंग नहीं दे पा रही है। तो हम लोगों ने बच्चों के बीच पोस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया। पोस्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 मकसद था, हम लेखन उनकी कॉपी में भी मंगा कर चेक कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने पोस्ट कार्ड इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया कि बच्चे पोस्ट ऑफिस के कार्यकलापों को भी समझें। उसमें हम लोगों ने यह भी दिया कि आप स्वयं लेटर बॉक्स के पास जाएंगे, एक सेल्फी लेंगे और प्रिंसिपल को अपनी सेल्फी पोस्ट करेंगे, जिसकी बेस्ट सेल्फी होगी उसे इनाम दिया जाएगा। अभी हमारे पास सेल्फी जा रहे हैं, पोस्ट कार्ड्स रोज आ रहे हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बच्चों के राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बातें। ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोगों ने उन्हें सब्जेक्ट दिया था, एजुकेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक, प्रोस एंड कॉन्स। यानी कहने मतलब कि बच्चे अब डाकघर भी पहुंच रहे हैं अपने लेटर, क्योंकि आज के समय के जो बच्चे हैं वो तो डाक के जो पोस्ट जिसमें डाले तो बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से यह पहल आपने चलाया है तो ये तो डाक विभाग के लिए भी काफ़ी, उस तरीके से डाक विभाग की तरफ से क्या रहा? निश्चित रूप से डाक विभाग का सहयोग रहा, क्योंकि हमने जिस दिन 600 पोस्ट कार्ड मंगाया था उस दिन मेरा स्टाफ जब गया 600 पोस्ट कार्ड के लिए, तो सेल करने वाले काउंटर को कहना पड़ा कि 10 मिनट रुकिए, मैं ऊपर से ला कर देता हूँ, और उन्होंने स्टॉक से निकाल कर हमें पोस्ट कार्ड दिया। इससे ये निश्चित बात है कि पोस्ट कार्ड का सेल इतना बड़े मात्रा में रोज नहीं है, लेकिन हाँ, उपलब्धता हर जगह है।